नमस्कार सभी को। आज का विदाई संभाषण पाठ जो है, आज मैं इसे आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का एक प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ, विदाई संभाषण। लेखक जो हैं बाल मुकुंद गुप्त की सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। उन्होंने एक व्यंग्य लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, उसका यह एक अंश है, यानी उसका एक भाग है। यह पाठ जो विदाई संभाषण पाठ है, शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे भारत के वायसराय थे, सन 1899 से लेके 1904 में, और 1904 से लेके 1905 तक में वो दो बार वायसराय रहे थे। उस समय जो उनका जो शासन था, उनका राज्य जो था भारत पर, उसकी स्थिति का खुलासा करता है ये पाठ कि भारत में क्या स्थिति थी भारतीय लोगों की। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी राज्य को बनाए रखना या अंग्रेजी शासन को ब्रिटिश सरकार का वर्चस्व स्थापित बनाए रखना। अपना उनका अस्तित्व जो था उसे बनाने के लिए भारत में उन्होंने विकास किया था। किसने? अंग्रेजों ने। और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हितों में सर्वोत्तम उपयोग करना इसका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? कि अंग्रेजों के हित जो हैं वो बने रहें। ये काम किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, जो सबसे खतरनाक व्यक्ति था भारत के अंग्रेजी शासन में, वो था लॉर्ड कर्जन। और लेखक ने उसी पर व्यंग्य इस पाठ में किया है। इस इंसान ने प्रेस तक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? लॉर्ड कर्जन ने। प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है? कि अखबार कुछ भी लिख नहीं पाते थे उनके विरोध में। और बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल के टुकड़े जो हुए थे, वो भी इस लॉर्ड कर्जन के ही जिद का परिणाम था। आशा करती हूँ चैप्टर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम जो इसमें बात है उस पर आ जाते हैं। समरी कर रहे हैं हम चैप्टर की। तो पाठ में लेखक ने लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में के अंत पर, जो उसका अंत हुआ, उस पर दुख व्यक्त किया है, खेद प्रकट किया है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है उसका अंत हो जाएगा, समाप्त हो गया, क्योंकि उसने नीतियाँ अच्छी नहीं बनाई थी भारत के लिए, उसका राज्य। तो लेखक के अनुसार किसी से बिछुड़ने का समय जो होता है ना, जब हम किसी से अलग होते हैं, तो उसमें बहुत करुणा होती है। हम आमतौर पर जब किसी से बिछुड़ते हैं, अलग होते हैं, तो उसमें करुणा होती है। लॉर्ड कर्जन ने भारत पर कई वर्षों तक शासन किया। आपको मैंने समय बताया था उसने शासन किया था, लगभग 6-7 साल। तो भारत जैसे देश में जानवरों में भी और पशुओं में भी इतनी संवेदना होती है कि वो एक दूसरे से अलग होने पर दुखी होते हैं। लेखक ने यहाँ पर व्यंग्य के रूप में ये बात बताई है कि जो शिव शंभू की गाय थी ना, जब वो अलग हुई तो भी उन्हें दुख हुआ था। यानी कि भारत के तो लोग क्या, मतलब जानवर भी ऐसे हैं जो अलग होने पर दुखी होते हैं। लॉर्ड कर्जन का दोबारा वायसराय बनकर के भारत आना भारत की जनता को स्वीकार नहीं था, क्योंकि उसने पहले अच्छी नीतियां नहीं बनाई थी। जब पहली बार वो भारत के वायसराय बने थे, तो यहाँ की जनता उसके अत्याचारों को झेल चुकी थी। और अब फिर वो वायसराय बनकर के आए, तो भारत की सुख समृद्धि वापस लाने का वादा किया था। तो सबको उनका नाटक जो था वो समझ में आ गया था। उन्होंने जो नौटंकी की थी ना कि भारत को समृद्ध बनाएंगे, वो सब लोगों को समझ में आ गया था। पहले भारत की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया गया था, पागल बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उनके इस नाटक का अंत कभी भी नहीं होता, कभी ना कभी तो होना ही था। अगर जनता को समझ में नहीं आता तो अंत कभी भी नहीं होता, लेकिन आखिरकार नाटक समझ में आ गया तो उसका अंत हुआ उसके नाटक का, और उसे भारत छोड़ करके वापस जाना पड़ा।
लॉर्ड कर्जन ने देश के विकास के नाम पर यहाँ की आर्थिक संरचना यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे देश की जो इनकम की व्यवस्था थी, उसे बहुत नुकसान पहुँचाया और उसने प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर दिया और शिक्षा व्यवस्था को भी नष्ट कर दिया। भाई पढ़ेंगे नहीं तो गुलाम रहेंगे, ये सोच करके देश के अमीर और संपन्न वर्ग को उन्होंने अपने इशारों पर ले रखा था, यानी वो लोग इशारों पर नाचते थे जो बड़े बड़े परिवार थे, संपन्न थे, पैसे वाले थे, और शिक्षित वर्ग को वह देखना नहीं चाहते थे। यानी अमीरों को तो अपने पक्ष में ले लिया और पढ़ाई लिखाई वालों को देखना नहीं चाहते थे कि कहीं ये विरोध ना कर दें। उनकी जीत जो थी बंगाल विभाजन के आगे यहाँ की प्रजा बहुत गिड़गिड़ाई कि भाई इसको अलग मत करो, बंगाल के दो टुकड़े मत करो, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। लॉर्ड कर्जन लेखक की तुलना जो है, लेखक जो लॉर्ड कर्जन की तुलना कैंसर से करते हैं और जार नामक बीमारी से करते हैं, यानी वो भारत में एक बीमारी की तरह था। इन दोनों की तानाशाही विश्व में प्रसिद्ध है। कैसर और जार जो हैं तानाशाह भी थे, तो दोनों तानाशाह जो हैं वो उनसे लेखक ने यहाँ पर तुलना की है। दोनों बीमारियाँ भी हैं। तो लेखक के अनुसार प्रजा की विनती के आगे इनकी तानाशाही भी कम हो जाती है। लेखक कहता है कि ये भी इतने तानाशाह नहीं थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन तो अपनी जिद जो है उसे पूरा करने के लिए प्रजा की बात को भी अनसुना कर देते हैं, सुनते नहीं हैं। अगर फिर भी आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको पाठ समझ में नहीं आए तो मुझे बताना, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पाठ की। तो फिर लेखक लॉर्ड कर्जन से ये भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो जाते जाते उसने जो गलतियाँ की थी उन गलतियों के लिए शर्मिंदा हो, यानी उसे शर्म भी नहीं आ रही थी अपनी गलतियों की। इतनी गलतियाँ उसने भारत में आकर के की, भारत का नमक खाया उसने, तो भी उसे शर्म नहीं आ रही थी। देश और देशवासियों के लिए यह आशा करे कि उसके जाने के बाद यहाँ की सुख समृद्धि जो है वो वापस आ जाएगी, लेकिन उसे यह एहसास होता तो वो ये गलतियाँ ही नहीं करता। लेकिन लेखक ये उम्मीद कर रहा है भाई ठीक है, कम से कम तुम अपनी गलतियाँ तो मान के जाओ अगर जा रहे हो। तो देश अपने प्राचीन गौरव और यश को पुनः प्राप्त कर ले। उनका कहना है कि इतनी उदारता लॉर्ड कर्जन के हृदय में कभी भी नहीं आ सकती, यानी वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उदार कैसे हो सकता है ऐसा तानाशाह व्यक्ति जो है, इतना जिद्दी इंसान जो है उदार कैसे हो सकता है। लेखक लॉर्ड कर्जन से उम्मीद भी नहीं करते, ये हमने देखा। तो ये थी इस पाठ की छोटी सी एक समरी, जो इसका पूरा सारांश अगर दो तीन लाइन में हम बात करें तो यही है कि भारत पर लॉर्ड कर्जन का साम्राज्य जब था उस समय भारतीय जनता पर अत्याचार किए गए, बंगाल का विभाजन किया गया और लॉर्ड कर्जन की विदाई पर यह पाठ लिखा गया है और व्यंग्य स्वरूप लिखा गया है कि लॉर्ड कर्जन को जरा भी शर्म नहीं थी उसके शर्मनाक कार्यों की। भारत में जो उनका राज्य था अंग्रेजी शासन का, उसके बारे में यह पाठ जो है मुख्य इसकी जो बात करें, मुख्य बिंदुओं की बात करें तो बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन तो प्रेस करना ही आप सभी को पता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ई बुक्स पढ़ने हैं साथ ही पेपर बैक बुक्स खरीदने हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें लिंक दिया है। अगर आपको मंथली बुक्स पढ़नी है ओनली 170 रुपीज़ के, उससे तो आप अनलिमिटेड बुक्स पढ़ सकते हो, और उसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।